हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है कि कल जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड जो है शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी की है और वो है गेस्ट टीचर से रिलेटेड। अब दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे बट किसके, 6 से 7 जून के बीच में। साथ में आपका टीआरई 4 से रिलेटेड बहुत मैसेज आता है कि अब तो टीआरई 3 टाइमली हो जाएगा, तो टीआरई 4 में क्या सीटेट वाले शामिल हो पाएंगे या नहीं, एक एक जो भी डाउट्स हैं आपके सारे इस वीडियो में जो हम क्लियर करने वाले हैं। आपका री एग्जाम कब तक हो सकता है, एडमिट कार्ड, एंड दूसरा एक सबसे बड़ी अपडेट आई है कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में, केवल दरभंगा की बात करूँ तो 42 ऐसे टीचर हैं 1-5 एंड 6-8 के जो कि सीटेट में फेल हैं बट उनको नौकरी मिल गई है, और ये सब जो है बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं, इसमें ज़्यादातर जो है महिलाएं हैं। तो इनकी काउंसलिंग किस तरीके से हो गई है और इनको अब नोटिस दिया गया है 3 दिन के अंदर इनको जो है अपने रीजंस बताने हैं, अदरवाइज इनकी जो है नौकरी निरस्त कर दी जाएगी। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो डैट आपको सारी अपडेट मिलते रहें। एंड मैं बोलना चाहूँगी कि देखो सीटेट का एग्जाम जुलाई में है तो सीटेट पहले क्लियर कर लेना अच्छे नंबर से, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप देख ही सकते हो कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं अब उनको बाहर किया जाएगा क्योंकि उनके एक एक दो दो नंबर कम हैं। तो सीटेट और इसमें ज़्यादातर वही है, प्राथमिक है और जूनियर, मतलब 6-8 का है। तो 6-8 SST अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसका हिस्ट्री से 15-16 क्वेश्चन आते हैं। इसके पेड नोट्स आपको अगर लेना है तो आप व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे एंड कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा, ओनली 49 रुपीज़ में आप ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी पे काम चल ही रहा है। देखिए सबसे पहले री एग्जाम की बात करें तो अब आपका री एग्जाम जो है 20 जून के बाद कभी भी हो सकता है, और इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें शिक्षा विभाग ने बहुत तेजी दिखाई है, क्योंकि इनका इस बार का है गोल टारगेट कि हमको किसी भी हाल में 3-5 तीनों इसी साल करना है। एंड कल आपने नोटिस में देखा ही होगा कि शिक्षा विभाग ने बोला है कि जो भी कोर्ट का फैसला है उसके अकॉर्डिंग गेस्ट टीचर्स को हर साल के आधार पर जितने भी इनके एक्सपीरियंस हैं 5-5 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम 25 मार्क्स दिया जाएगा। साथ में इसी के खिलाफ जो है इन्होंने LPA भी दायर कर दिया है, और ये भी लिखा है कि जो भी मान लो LPA का जो भी आदेश आएगा उससे ये रिजल्ट भी जो है प्रभावित होगा। मान लो अगर इनको 25 मार्क्स मिल जाता है और LPA का जो आदेश है वो इसके अगेंस्ट में आ जाता है तो फिर इनको ये बाहर भी कर दिया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें सामने आ चुकी हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि 6 से 7 जून के बीच में दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे बट केवल इनके गेस्ट टीचर्स के, जो लोग अप्लाई करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो गेस्ट टीचर का दोबारा से फॉर्म रीओपन होना है 6 से 7 जून। अब इतना फास्ट कराने का यही मतलब है कि 6 से 7 जून के बीच में ये लोग फॉर्म अप्लाई करवाएंगे, उसके बाद से 10 से 15 जून के बीच में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एंड 20 से 25 जून के बीच में ये लोग पेपर ले सकते हैं। तो जितने भी बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको डिले नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि पेपर बहुत आगे चला जाएगा, आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहना है। क्योंकि अगर ये 6 से 7 जून के बीच में गेस्ट टीचर से दोबारा से फॉर्म भरवा रहे हैं +2 वाले, ध्यान रखिएगा +2 वाले, तो इनका यही मोटिव है कि हमको किसी भी हाल में जो है 10 से 15 के बीच में एडमिट कार्ड जारी करके 20 से 25 जून के बीच में पेपर लेना है एंड 15 जुलाई तक रिजल्ट। तो बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड आपको एडमिट कार्ड 15 जून के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है या फिर उसके पहले भी, और रिजल्ट भी 15 से 20 जुलाई के बीच में आ जाएगा। तो ये हो गया टीआरई 3। अच्छा देखो गेस्ट टीचर +2 में ऑब्वियस बात है कि अब इनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा तो कॉम्पिटिशन तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बढ़ेगा ही, तो आप उस अकॉर्डिंग तैयारी करना जितने भी +2 वाले हैं। 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 को कोई डरने की बात नहीं है, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। दूसरी चीज बात कर लेते हैं कि जो नोटिस जारी हुई है स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, वो है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में। अब ये चीजें धीरे धीरे सामने आ रही है, अभी एक जिला का आया है और उससे रिलेटेड नोटिस आई है कि 42 टीचर जो कि पेपर 1 एंड पेपर 2, मतलब 1 से 5 और 6 से 8 के महिला अभ्यर्थियां हैं, ज्यादा संख्या है इनकी, कि इनके जो है सीटेट में नंबर कम थे और माननीय कोर्ट का जो आदेश का फैसला आया है उसके अकॉर्डिंग 5% छूट केवल महिला अभ्यर्थी जो भी बिहार की हैं उनको ही मिलेगा, तो फिर इनको कैसे मिल गया है। और ऐसे 42 ऐसी शिक्षक मिली हैं जो कि बाहरी राज्य से हैं, बिहार की नहीं है, तो अब इनको जो है नोटिस दिया गया है कि आप 2 से 3 दिन में जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, अगर आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। तो आप देख सकते हो कि अब धीरे धीरे जिले वाइज चेकिंग हो रही है हर एक चीज़, डोमिसाइल, आधार कार्ड, आपका सीटेट, मतलब पूरा आपका जो फोल्डर है वही देखा जा रहा है कि कहीं इसमें कुछ फेक तो नहीं है। तो अभी ये सोचिए बस दरभंगा का है, ऐसे 42 शिक्षक हैं जो कि सीटेट में कम है, कम क्या उसको फेल ही माना जाएगा, क्योंकि अगर आपके 90 नहीं है, आप दूसरे राज्य के हो और आप 89 पर नौकरी कर रहे हैं तो आपको बाहर ही किया जाएगा, क्योंकि आप जनरल में आते हैं महिलाएँ जो भी हैं, बिहार की बात नहीं करें, बिहार से बाहर। तो ये दरभंगा जिला का नोटिस आया है, तो इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो वेटेज ज़्यादा रखें, मतलब टारगेट ज़्यादा रखें, क्योंकि अभी नवोदय में भी सीटेट के नंबर जोड़े जा रहे हैं और एक नंबर भी कम होगा तो कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आप बीपीएससी तो पास कर जाएंगे बट आपको बाद में बाहर किया ही जाएगा कभी ना कभी, ये चीज़ ध्यान रखना।
और एक दूसरा इसमें सवाल हो रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने जांच की थी काउंसलिंग के समय, कि अब जो है ये फर्जी शिक्षक जो ऐसा बोल रहे हैं कि इनको अब ये पकड़े जा रहे हैं जो कि कम कम नंबर पे लगे हुए हैं, तो इससे तो यही जाहिर होता है कि एक ऐसा अभ्यर्थी जो कि सीटेट में 90 नंबर लेकर आया था बट वो बाहर हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दोस टीचर्स। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी नोटिस आएगी। अभी ये दरभंगा का है, बाकी भी जिलों की चेकिंग हो रही है, तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो सीटें भी खाली हो रही हैं क्योंकि ये TRE 1 एंड TRE 2 1 to 5, 6 to 8 से रिलेटेड है, 1 से 5 और 6 से 8। ठीक है, तो बाकी जो भी चीज़ें होगी मैं आपको बता दूंगी। तो TRE 3 एंड TRE 4 आप लोग पूछते हो कि क्या इसमें सीटेड जुलाई वाले शामिल होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें सीटेड जुलाई वाले शामिल होंगे, आप अपनी तैयारी करते रहें। 24 अगस्त का जो डेट है बट डेट आगे हो सकती है, आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो TRE 4 में सीटेड जुलाई वाले भी शामिल हो जाएंगे, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, बट फोकस जरूर करना कि 90 से ज़्यादा ही लेकर आओ, 90 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी TRE 3 एग्जाम है आपका, जून में ही है, इससे रिलेटेड क्लास आने ही वाली है आज 5 बजे और 1 बजे आपकी सीटेट की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।